हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्री बोर्ड एग्जाम 2020-21 क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का सलूशन। ठीक है ना बच्चों, मैंने बोला था कि सोमवार को अपलोड कर दूंगा, बट सोमवार को टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है ना, इसीलिए एक दिन लेट, ठीक है ना, अपलोड हो रहा है। तो आप आंसर देखिए, आपका गद्यांश सही था ना, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे, पैराग्राफ यही था ना, पहला क्वेश्चन यही था ना, पैराग्राफ हर मानव में एक अजीब विसंगति है, चार ऑप्शन थे, तो फर्स्ट को ऑप्शन अहंकार राइट था। तो फिलहाल आपको ये करना नहीं है, ठीक है, मैं आपको आंसर की दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लेना। बाकी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, अगर क्वेश्चन की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो इसका कोड क्या था देख लीजिए, इसका कोड था, कोड नहीं था, इलेक्टिव ही था, ठीक है, तो वही लिखा है, ठीक है ना, मॉर्निंग मार्किंग स्कीम प्री बोर्ड एग्जाम 2020-21 क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव, ठीक है। अब आंसर चेक कीजिए, आप अपना अपना क्या क्या लिख रखे हो, ठीक है, फर्स्ट में का ऑप्शन राइट था, अहंकार, सेकंड में खा, थर्ड में का था, ठीक है, ये जो पैराग्राफ हैं इनके आंसर हैं, आप ध्यान में रख लीजिए, जो भी आपका आंसर है राइट वही लिखा हुआ है, पहले में अहंकार था, दूसरे का है पर्यावरण के लिए, तो दूसरे में था पर्यावरण के लिए खा वाला, इसी प्रकार आप देखते रहना, ठीक है ना, आगे हम दिखाते हैं आंसर डायरेक्ट, आप देखते रहना। तो फर्स्ट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन कंप्लीट है। आगे अथवा का देख लीजिए, इसमें जो अथवा था उसका भी आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, अथवा का भी देख लेना, ये राइट था, जो आपने किया है आप चेक कीजिए क्या किए हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो पे आओ, तो आंसर स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, सबके आंसर राइट लिखे हैं, जो भी राइट है, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर है। अथवा वाला देख लीजिए नीचे, इसमें भी फर्स्ट टू एट नीचे आंसर लिखा हुआ है, सबके सामने आंसर है, आप देख सकते हो, जो भी राइट है आप उसको नोटिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, हो सकता है फिर से फाइनल पेपर में एक दो नंबर में एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं, पैराग्राफ तो नहीं आएगा बच्चों, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। आंसर नंबर थर्ड में देख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के आंसर लिखे हुए हैं, जो भी राइट है, फिर आंसर नंबर फोर में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के आंसर लिखे हुए हैं, फिर आंसर नंबर फाइव में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आंसर राइट है लिखा हुआ है, फिर आंसर नंबर सिक्स, ठीक है ना, सिक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ते हैं, अभी सिक्स ही चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ठीक है। इसके बाद में खंडवा स्टार्ट हो गया, आंसर नंबर सात यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विषय वस्तु, तीन नंबर का भाषा एक, प्रस्तुतिकरण एक, इसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है तुमको, ठीक है। इसी प्रकार आंसर नंबर आठ में पत्र लेखन में कोई एक करना था, तो इसमें दे रखा है कि आरंभ व समाप्ति एक नंबर में, विषय वस्तु तीन नंबर का, भाषा एक नंबर का, अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना था, जैसे भी लिखवाते, ठीक है, ये लिख कर नहीं बताया गया। फिर आंसर नंबर नौ, नौ में का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आंसर नंबर नौ का, फिर आगे देख लीजिए, इसमें भी वही चल रहा है अभी, फिर अथवा, अथवा का आंसर ये है, ठीक है बच्चों, फिर खा, खा का आंसर है, फिर अथवा, खा में अथवा का आंसर ये नीचे लिखा हुआ है, फिर आंसर नंबर 10 स्टार्ट हो गया, इसमें भी आंसर नंबर 10 में कथानक, पात्र चरित्र चित्रण अपने अकॉर्डिंग तुमको लिखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये संवाद भी आपको, देश काल वातावरण ये अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अथवा का आंसर ये है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में खा पे आओगे तो ये खा का आंसर है, अथवा का आंसर नीचे लिखा हुआ है, फिर आंसर नंबर 11 में का आंसर है, ठीक है। का के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये का ही चल रहा है अभी, इसके बाद में का के बाद में यहाँ से खा, फिर ये गा का आंसर स्टार्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, 12 में का आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद में ये खा का आंसर है, ये गा का आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आंसर नंबर 13 स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो का आंसर, खा का आंसर 13 में, का और खा का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी ये 13 ही चल रहा है बच्चों, फिर उसके बाद में गा का आंसर, ठीक है, गा के बाद में ये गा का ही आंसर है इस पेज पर। अभी आगे बढ़ते हैं, इधर अभी वही आंसर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आंसर नंबर 14 स्टार्ट हो गया, का आंसर, खा का आंसर, ठीक है, का आंसर, खा का आंसर, फिर उसके बाद में ये खा का आंसर यहाँ पर फिनिश हुआ, रख देना पर, फिर गा का आंसर स्टार्ट हो गया। तो इतना ही था बच्चों आपके पेपर में, कम्प्लीट हुआ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी रिवाइज कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।